गुरु द्रोणाचार्य की पावन धरा गुरुग्राम से आज मैं मेरे साथ जुड़े हुए सभी 22 जिला केंद्रों पर तथा अन्य भी स्थानों पर जो लोग वेबकास्ट पोर्टल से जुड़े हैं अथवा अपने मोबाइल फोन से जुड़े हैं अथवा अपने व्यक्तिगत साधनों से साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा में सब स्थानों पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री, सभी हमारे केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और हजारों की संख्या में आज कर्मचारी अधिकारी बंधुगण, आज के इस अवसर पर हम अपने प्रिय नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने के लिए भी आज 25 दिसंबर को उनके जयंती दिन पर आए हैं। ऐसे सभी सज्जन वृंद, पत्रकार व छायाकर मित्रों, इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाई बहनों, आज का दिन एक बहुत विशेष दिन है, महान दिन है। इसको इस रूप में मैं कहूंगा कि जैसा मैंने बताया, अपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती दिन है और साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका भी आज जयंती का दिन है। तो इसे दो महापुरुषों के जयंती दिन के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज क्रिसमस का दिन भी है, हमारा ईसाई समाज क्रिसमस के इस दिन को भी बहुत महत्व देता है। पूरी देश और दुनिया में ऐसे सब बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन, इसको हम अपने शासन की व्यवस्था में देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और सुशासन दिवस की शुरुआत वास्तव में तो अटल जी का जन्मदिन है, तो इस दिन को कोई उल्लेखनीय दिन बनाया जाए। आज से 5 वर्ष पूर्व नवंबर 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी 2014 में कि 25 दिसंबर 2014 से इस दिन को हम गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस करके मनाएंगे। और अब आज छठा ये सुशासन दिवस इस रूप में मना रहे हैं। इस दिन के महत्व को इसलिए भी हम समझ सकते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब उन्होंने शासन संभाला था तो अपने मूल विचारों के अनुरूप उन्होंने बहुत सी व्यवस्थाएं इस देश के अंदर नई खड़ी की। वो चाहते थे कि शासन की व्यवस्थाओं का लाभ ये आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। योजनाएं बहुत बनती हैं, बजट की हमारे पास कमी नहीं है, साधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी जो चीज योजना बनाई जाती है वो नीचे पहुंचती नहीं है ठीक से, और उनका लाभ जो पात्र व्यक्ति हैं, पात्र परिवार हैं, उन तक नहीं पहुंचता है। अपनी शासन व्यवस्था को थोड़ा और अच्छा किया जाए। शासन अपने आप में, वैसे तो शासन का मतलब ही है कि अच्छी प्रकार की डिलीवरी हो, लेकिन कभी कभी उसके लिए विशेष आग्रह करना पड़ता है। जैसा हम देखते हैं, देसी घी की दुकान अगर लिखी होती है तो वहां पर और थोड़ा जोर डालने के लिए दुकानदार लिखता है शुद्ध देसी घी की दुकान। अब देसी घी अपने आप में देसी घी है, लेकिन फिर भी प्रमाणित करने के लिए उसको कहना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, ये शुद्ध देसी घी की दुकान है। तो शासन अपने आप में सुशासन होना चाहिए। शासन का अर्थ ये है कि जो शासक है, जो शासक है वो ठीक व्यवस्था ये जनता को दे, ये इम्प्लाइड सेंस है, लेकिन फिर भी थोड़ा आग्रह करके सुशासन को, यानी शासन को सुशासन बनाया जाए, शासन कहीं कुशासन न बन जाए। तो शासन को सुशासन करने के लिए हर किसी की जिम्मेवारी है। जिनकी जिम्मेवारी है उनको बार बार याद कराना पड़ता है कि हमारे जिम्मे शासन का काम है, हम इस शासन को किस प्रकार से सुशासन बना सकते हैं,
इस ओर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आज प्रजातंत्र में विश्वास रख रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर अब वो जमाना नहीं है कि राजा महाराजा होते थे और राजशाही में एक राजा, उसके बाद आने वाला उसका उत्तराधिकारी, रानी के पेट से जन्मा बच्चा वो राजा या रानी बनता था। आज शासक जो है जनता अपने आप चुनती है, अपने लिए चुनती है, अपने द्वारा वो चुनती है। तो जब जनता अपने लिए चुन रही है तो उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं कि ये जो शासक आएगा ये हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। और उसको पसंद क्या है, उसको बहुत सी बातें पसंद हैं। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पसंद भी हो सकती है। अलग अलग माने एक विद्यार्थी चाहता है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, मेरी शिक्षा में आने वाली कठिनाई दूर होनी चाहिए। एक बेरोजगार चाहता है मुझे रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। जो रोजगार कर रहा है उसको चाहता है कि मेरे रोजगार को निर्बाध गति से ये ठीक चलना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चाहे वो दुकानदार है, कर्मचारी है, किसान है, कोई भी वर्ग का कर्मचारी, शासक यानी जनता का कोई वर्ग, हर कोई चाहता है मेरे व्यवस्था में ठीक ढूंढना चाहिए। महिलाएं चाहती हैं हमको एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे अपराध हैं ये कैसे कम होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए, जो करे उसको कठोर दंड भी मिलना चाहिए। एक प्रौढ़ आयु का व्यक्ति है, बुजुर्ग है, वो चाहता मेरी पेंशन घर पर डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक मिलनी चाहिए, इस पेंशन में कहीं भी जो दिक्कत आती वो नहीं आनी चाहिए। एक रोगी है, वो चाहता मेरे कम पैसे में, बिना पैसे के मेरा इलाज होना चाहिए। हर किसी वर्ग के व्यक्ति की आवश्यकता अलग है। वो आवश्यकता शासन किस बढ़िया ढंग से पूरा करे, उसको कठिनाई ना आए, ये हर एक की इच्छा है। लेकिन उसमें कॉमन एक तंत्र है, कॉमन ये है कि हम लोग निर्बाध रूप से उसको घर में, उसके स्थान पर, उसके निकट शासन की व्यवस्था पहुंचाएं, चाहे वर्ग कोई भी हो। इसलिए सबकी अपनी अपनी इच्छा है। इस नाते से हमको एक प्रकार से जन जन को और जन जन को शिक्षित करना पड़ेगा, उसके साथ उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो तंत्र है उस तंत्र को भी अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए वो देखता है हमको सबको। जब वो चुनाव में किसी को चुनता है तो वो अपने शासक को, अगर वो विधायक को चुनता है तो विधायक से अपेक्षा होती है, और जब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है तो उनसे अपेक्षा हो जाती है, मंत्री से अपेक्षा हो जाती है, अपने पंचायत के सरपंच से, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर निगम, सबके प्रतिनिधियों से उसकी अपेक्षा हो जाती है। चुन करके वो सोचता कि ये लोग जाएंगे, व्यवस्था को ठीक बनाएंगे। व्यवस्था बनाना तो जो शासक में चुन करके आए लोग हैं, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन जब उसको आगे जनता तक लेकर जाना होता है उस समय जिम्मेवारी जिसकी होती है वो हमारा जो कार्यपालिका का ये वर्ग है जिसको हम कर्मचारी, अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल करते हैं। जब वो वहां लेने के लिए जाता है व्यवस्था को तो उसके मन में आता है कि अब मेरे लिए शासक यही है। अब वो समझता है ये शासक मेरा तो ये है, अगर इसने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी तो फिर उसको भी गाली देगा और फिर वो जिसको चुन के भेजा उसको भी गाली देगा कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ये भी कुछ नहीं कर रहे। वो दोनों को जोड़ देता है। और देखा जाए तो जो शासक होता है वो शासन की जो व्यवस्था होती है वो हम सब मिलकर के हैं, यानी चुनाव अपने नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, या अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे वो क्लास ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, सब मिलकर के हम लोग और शासन है। शासन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं प्रभावित किया जा सकता, एक टीम के रूप में हम लोगों को काम करना है। तो टीम के रूप में जब काम करना है तो हम सब लोगों को मिलकर के अपनी भावना में एक ऐसी परिस्थिति जब होती है तो विचार करना चाहिए कि सामने व्यक्ति जिसको हम शासन का लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसके मन में क्या है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए हमारे मन में एक संवेदनशील व्यक्तित्व ये जरूर होना चाहिए। अगर मन में हमारे भाव ये है कि ये जो आया है ये मेरा अपना है, अगर इसकी व्यवस्था को मैंने ठीक से समझना है तो फिर इसको
इसकी समस्या का हल करना ये मेरा दायित्व है। यानी हर किसी के मन में एक जो कष्ट होता है उस कष्ट को पहले से पहचानना चाहिए। कष्ट हमेशा ही रहेगा, कभी सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आदि काल से आगे भी भविष्य में भी आवश्यकताएं सबकी रहेंगी, तो इन आवश्यकताओं को समय समय पर अध्ययन करके इसको हम देखना होगा। यानी गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, उन्होंने दोहरे कहा है, दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अर्थात राम राज्य में भी मनुष्य शारीरिक सांसारिक और दैविक परेशानी से वो ग्रसित था, उसको मुक्त करना है और मुक्त होता है तो राम राज्य की स्थापना के लिए ये उन्होंने लक्ष्य रखा था कि राम राज्य में ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अब राज्य उसका आंकलन करने वाले करते हैं, ये राज्य कैसा है, ये राज्य अच्छा है माड़ा है बुरा है क्या है, अगर उसकी तुलना करते करते पर उसको वो जब उसका काम नहीं चलता उसके मन में क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, वो गुस्सा उतारना भी शुरू करता है, वो गुस्सा कर्मचारियों पर उतारेगा, वो धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, हड़ताल करेगा, कभी कभी सीमा पार हो जाती है। और जब कभी कर्मचारी अधिकारी तक उसकी बात नहीं चलती है फिर वो नेताओं को भी गाली देना शुरू करेगा, वहां भी जब उसका काम नहीं चलता है तो फिर लोकतंत्र में उसके हाथ में भी एक चाबी आती है, लोकतंत्र में उसके हाथ में भी एक हथियार आता है और वो हथियार होता है वोट का। तो उस वोट के हथियार से वो शासन को बदल भी देता है, वो शासन की उसकी इच्छा नहीं करती कि इसको दोबारा लाए। कभी कभी भ्रम भी हो जाता है, भ्रम होने में उसको बहकाने के लिए बहुत लोग आएंगे, विरोधी दल के भी आएंगे, विपक्ष के भी आएंगे, सब करेंगे। अब उसको भी हमको जागरूक भी करना पड़ेगा कि जो सिस्टम पहले चल रहा था उसमें आज अच्छाई है कि नहीं है, और हमें योजना बनानी पड़ेगी आज जो अच्छाई है आगे आने वाले समय में हम और अच्छाई कैसे ला सकते हैं। तो इस नाते से भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, कई रोग है जिन रोग को हमको दूर करना पड़ेगा, और उस रोग को दूर करने के लिए एक रोग है करप्शन। इस करप्शन को भी दूर करना पड़ेगा, अगर हमने काम तो अच्छे कर लिए लेकिन करप्शन से इस बीमारी से हमने छुटकारा ना दिलाया जनता को तो जनता काम होते हुए भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। वो कहेगी काम तो हुआ लेकिन ऐसे कैसे, कोई फ्री में थोड़ी हो गया, मैंने तो उसको कुछ ना कुछ दिया है तब काम हुआ है। उसका भी क्रोध उससे बढ़ता है, उसकी संतुष्टि नहीं होती है। तो उसकी संतुष्टि यदि करानी है तो हमको बहुत सी चीजें बदलनी पड़ेंगी, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा कि ये एक नासूर है, इसको हमको दूर करना पड़ेगा। वरना एक मिनट में कमेंट वो करता है, क्या करता है, अरे फिर बड़ी पुरानी कहावतें चढ़ने लग जाता है, क्या सरकार है इससे तो अंग्रेज भले थे, यहां तो भी कमेंट कर जाता है। अगर ये कमेंट कोई नागरिक करता है शासन के प्रति, शासकीय व्यवस्था के प्रति, तो बहुत ही मन में विचार करने वाली बात है कि हम अपने जनता को उसकी आकांक्षा के अनुरूप हम क्यों नहीं डिलीवर कर पाए। इसलिए इस नाते से भी हमको उसको अपनी व्यवस्था को हमको पारदर्शी करना पड़ेगा, कानून सम्मत करना पड़ेगा कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और उस करने में कोई कठिनाई आती है उस कठिनाई को हम दूर कर रहे हैं। इस नाते से भी हम लोगों को उसकी समस्या का हल करना पड़ेगा, और इसके लिए सरकारी व्यवस्थाएं जो बनाई जा रही हैं जिसकी चर्चा अभी इस भाषण से पहले भी हुई थी, अभी मैं भी कुछ चर्चाएं करूंगा, आज कुछ नए इनिशिएटिव उसमें लिए जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी शासन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो इस डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है वो जनता को लगना चाहिए कि हम इसमें इस बात को ठीक करेंगे। इसी प्रकार प्रश्न होता है कि आखिर हम इसको कैसे करें, तो कैसे करने के लिए पहली बात तो यह कि रोग क्या है, रोग का इलाज उसी ढंग से हमको ढूंढना पड़ेगा। हम लोगों ने ई गवर्नेंस इसका तोड़ निकाला है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से इन चीजों को हम कर सकते हैं। 2014 का जो 25 दिसंबर का हमारा, यानी जब हम सरकार में आए थे उस समय पहला जो गुड गवर्नेंस डे था, ध्यान में होगा आपको, हमने ई रजिस्ट्रेशन
और सीएम इंडो, ये दो चीजें शुरू की थी। सीएम इंडो का विचार क्यों आया था कि सरकार के लोगों के साथ जहां भी जाएंगे तो घेर के खड़े हो जाएंगे, अपनी शिकायत अपना दर्द अपने एक कागज पर लिख करके देने वालों की भरमार एक बनी हुई है। और पिछले शासक हमने देखे हैं जिनके बारे में सुनते रहे हैं कि कागज आते हैं और उस कागज का ढेर लग जाता है, मालूम नहीं वो कहां गया। और हमारे इस नागरिक को भी जो पीड़ित है उसको आदत लग जाती है कि कागज की वो 20-25 फोटो सेट करा लेता है, वो जो भी जाएगा वो अधिकारी जाएगा उसको देगा, कर्मचारी जाएगा उसको देगा, नेता जाएगा उसको देगा, उसको लगता है कि लगे रहो कभी तो मेरी बात सुनी जाएगी। हमने कहा गलत है, उसको एक सिस्टम में उसकी शिकायत आनी चाहिए और सिस्टम में आएगी तो फिर उसकी जवाबदेही बन जाएगी। बिना सिस्टम के आएगी तो मालूम नहीं वो कागज कहां जाएगा, क्योंकि इतना सिस्टम पैराफर्नेलिया किसी भी नेता के पास भी नहीं होता। नेता के पास हजारों के संख्या में रोज कागज आते हैं, वो हजारों के हजार सिस्टम से कहीं अगर नहीं जाएंगे तो ढेर लगेगा। कोशिश की जाती है कि हम उसको कहीं ना कहीं पहुंचाएं, लेकिन वो बिना व्यवस्था के बिना गवर्नेंस के जा नहीं पाएगा। उस ई गवर्नेंस का हमने मॉडल अपनाया कि सीएम विंडो। अभी जैसे बताया गया कि पिछले 5 साल में 6,75,000 एप्लीकेशन ग्रीवेंसेस यू सीएम विंडो में आए और उसमें से 95% उनके ऊपर काम किया गया, काम करने की व्यवस्था बनाई कि भी हर एक जो समस्या जिस लेवल की वहां पहुंचे उस समस्या का समाधान हो। और समाधान अगर करना है तो कंप्लेनेंट को बुलाओ, जो वेस्टेड पार्टी है उसको बुलाओ, उसके सामने करो। और वो भी आए, कहीं ऐसा ना हो कि अनपढ़ आदमी है उसको पता नहीं है, उसको वैसे ही अधिकारी कर्मचारी बता दे। तो हमने उसके लिए व्यवस्था खड़ी की थी, एक निगरानी समिति बनाई। उस निगरानी समिति का एक मेंबर, उसको भी सूचना करो वो भी आए, और एक्शन टेकन रिपोर्ट पर डिस्पोज ऑफ करते समय उस निगरानी समिति के, वो पब्लिक आदमी होगा, उसे साइन कराओ। अब इसमें कुछ शिकायतें मिलती हैं, कई बार निगरानी समिति के व्यक्ति को बुलाया नहीं जाता, फोन किया था भेजा था संदेश आया नहीं। कभी कभी निगरानी समिति के सदस्य में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, वो भी क्योंकि लगातार संबंध बनाने वाला आदमी कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। वो कभी कभी बिना बुलाए ही और साइन करके ऊपर भेज दिया जाता है। मेरा ये दावा नहीं है कि उसमें से हर एक समस्या का समाधान ही होता होगा। आखिर समस्या ऐसी है, दो लोगों के बीच में झगड़ा है, फैसला होगा तो एक में हक में जाएगा, दूसरे के विरोध में जाएगा। तो विरोध वाले को बताना होगा कि नहीं, ये तुम्हारा यानी कानून सम्मत तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा जो विषय है वो नियमानुसार नहीं है, नियमानुसार उसका बनता है। निर्णय हो जाए तो उसके लिए उसको भी संतोष होता है कि मुझे भी यानी निर्णय मिल गया है, गलत मिला ठीक मिला निर्णय मिल गया है। लेकिन जब वो जाता है और उसकी कहीं भी हम बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में और बाहर चपरासी कहता है शाम मीटिंग में है, और मालूम नहीं शाम मीटिंग में है या पैर पर पैर रख करके मेज के ऊपर लगा करके अपना मस्ती बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, टेलीफोन सुन रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं, उसको तो नहीं पता। वो अगले दिन फिर जाता है, अगले दिन फिर उसको वही उत्तर मिलता है कि साहब बिजी हैं, साहब मीटिंग में हैं। इसके लिए मेरा ये कहना है कि अगर पूरा समय पब्लिक को दे सकते हैं बहुत अच्छा, कोई ऑफिस में पूरा समय दे भी सकता है, अगर पूरा समय नहीं दे सकते कि उनको प्रशासनिक काम भी करने होते हैं, तो हम निश्चित समय करें कि ये 2 घंटे दिन में नहीं, 2 घंटे तो 1 घंटा दिन में ये पब्लिक के लिए खुला रहेगा। पब्लिक के जो खुला रहेगा तो उस दरवाजे के ऊपर कोई लॉक नहीं होगा, उस दरवाजे की कुंडी नहीं होगी, अंदर की चटकनी भी नहीं होगी, दरवाजा बिल्कुल खुला रहेगा, कोई आए कोई जाए, लग जाएंगे भीड़ 1 घंटे में। अगर 1 घंटा भीड़ रहेगी अंदर तो बाहर से आने वाला देख लेगा कि भाई क्या करें साहब, इतने बिजी हम 50 लोग पहले खड़े हैं, एक एक की बात तो सुनेंगे, 50 इकट्ठे तो नहीं सुन सकते, उसकी आंखों को विश्वास हो जाएगा। फिर वो बाकी जो साधन है उसको भी लेगा साथ में, उसको लगेगा कि यहां नंबर नहीं आ रहा, ठीक है सेम विंडो में डालो, किसी तरीके से आ जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ आज नंबर नहीं आया, फिर वो कोई ना कोई समय दूसरा तय करेगा। या अधिकारियों को भी लगेगा कि मेरे पास लोगों की जो आमदन है, लोगों का जो फुटफॉल है वो ज्यादा है, मुझे और समय ज्यादा देना चाहिए, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे देना चाहिए, 2 घंटे देना चाहिए, लगता है 1 दिन के बजाय 2 दिन हफ्ता में देना चाहिए, 3 दिन देना चाहिए। कभी कभी तो ऐसे ऐसे अच्छे अधिकारी और कर्मचारी मुझे ध्यान में आए हैं, 5 बजे के बाद भी लगे रहते हैं, और वो लगे रहते हैं तो जनता के प्रति उनके मन में जो भाव जाता है कि भाई ये आदमी है, अच्छा आदमी है। हमारे पास जब ट्रांसफर के कागज लेके आते हैं लोग, तो आगे
कई बार कहते हैं कि मेरे यहां वो जो एक्सएन है ना, या जो एडीसी है ना, या वो जो सुपरिटेंडेंट है ना, ये भेजना, ये अच्छा आदमी है। और कभी कभी कहते हैं भेज कोई देना, लेकिन ये मत भेज देना एक का नाम ले जाते हैं, ये तो चार विश्लेषण लगा के जाते हैं उसके साथ। तो हम सब लोगों को समझना चाहिए, मैं प्रदेश भर के सारे आज मेरे साथ में समझता हूं, लगभग 15,000 कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं, तो इन 15,000 अपने अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से मैं कहता हूं, न केवल कर्मचारी अधिकारी बल्कि जनप्रतिनिधि भी, कि अपने 3-3.5 लाख हम लोग हैं, 3.5 लाख के 3.5 लाख लोग मन में विचार करें कि मैं जनता का हूं, जनता मेरी है। अगर हमने ये समझ लिया कि वो प्रजा है, मैं शासक हूं, और शासक का काम सेवा नहीं है, रोब जमाना है, तो इसका मतलब हम अपने काम में कुल मिलाकर डीरल हो चुके हैं। हमारा काम जनता की सेवा करना है। हम आखिर, हमारी भी कोई इच्छाएं हो सकती हैं, उन इच्छाओं में अगर हम कोई बात अपने सामने रखें, तो सबसे पहले हम रखें, एक तो योगक्षेम तो हमारा होता ही है, हमें आखिर सरकार तनख्वाह देती है, कम नहीं देती है, पर्याप्त देती है, हर प्रकार के स्केल मिलते हैं, कभी 5वां वेतन आयोग, फिर 6वां वेतन आयोग, फिर 7वां वेतन आयोग, और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिन्होंने 7वां वेतन आयोग देश में सबसे पहले लागू किया, और कर्मचारियों की जितनी डिमांड्स होती हैं, मेरे पास आज एक वो भी आया था कि आप ये भी पढ़ के सुनाइए, मैं खाली इतना समय नहीं है मेरे पास, कि पिछले 5 साल में कर्मचारियों के हर यानी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए उनकी जो डिमांड्स थी प्रायः हमने सब मानी है। अब अलग बात है, डिमांड ऐसी चीज होती है कि जितनी मान ली जाए वो पीछे, और क्या, अभी और क्या बड़ा अभ्यास चलता है। लेकिन मेरा ये कहना कि हम मन में विचार करें कि जिनको ये भी नहीं मिलता समाज के अंदर, वो अपना कैसे गुजारा करता होगा। हमारा आज ग्रुप डी 16-18 हजार से शुरू होता है, और एक आईएएस 2-2.5 लाख तक जाता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 5,000-6,000 रुपए की भी महीने की मार है, उनको उतना भी नहीं मिल पाता है। हमने अपने बीपीएल में कंडीशन रखी है कि साल में जिसकी 1,80,000 रुपए भी आमदन नहीं है, अर्थात परिवार की, पूरे परिवार की 15,000 रुपए से भी कम है, हम उसको विशेष सहायता देंगे। इसका मतलब परिवार में 1-3 लोग कमाने वाले हैं, वो सब मिलाकर 15,000 भी नहीं कमाते, ऐसे लाखों परिवार हैं। हमें एक मौका मिला है सेवा और मेवा दोनों का, मेवा मिल रहा है, सेवा करनी चाहिए। तो योगक्षेम के नाते किसी को कठिनाई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त है, आवश्यकता पड़ने पर और आगे बढ़ना होगा वो भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में हमको हमारी पहचान है, ये सरकारी कर्मचारी है, ये सरकारी अधिकारी है, और सरकारी कर्मचारी अधिकारी की पहचान जब बनती है उसका मान सम्मान भी होता है, मान मिलता है उसको, हमको एक पद मिला है वो मान है, और जो अच्छा काम करता है उसको सम्मान भी मिलता है। समय समय पर बहुत से ऐसे अच्छे कर्मचारी अधिकारियों को बहुत सी योजनाएं हैं, उनको अवार्ड, रिवार्ड, सर्टिफिकेट सब मिलते हैं, बड़ा फ्रेम में लगा के रखते हैं, उसको और बढ़ाना चाहिए कि मान मिलता है, सम्मान लेना तो मुझे अपनी मेहनत से लेना है, तो अपनी मेहनत से भी लेना है, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ विशेष बनना पड़ेगा। इसलिए मान और सम्मान के साथ एक विषय होता सबसे बड़ा व्यक्ति के लिए, वो था संतुष्टि। उसको संतुष्टि क्या है, पैसा कमाने से अगर संतुष्टि होती हो तो सरकारी कर्मचारी वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, मैं कहूंगा कि उसकी तो मन में एक हवस जाग गई है पैसा कमाने की, और वो गलत रास्ता अपनाएगा ही अपनाएगा। लेकिन संतुष्टि इस बात में होनी चाहिए कि मुझे मिल रहा है इससे संतुष्टि, वो तो होगी ही होगी, मैं कर क्या रहा हूं इससे संतुष्टि होनी चाहिए। आत्म संतुष्टि इसने कि जिस काम के लिए सरकार ने मुझे रखा है, जिस काम के लिए मुझे अवसर मिला है, वो काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये संतुष्टि हर व्यक्ति को होनी चाहिए जो अच्छा काम करता है। तो आज मैं अपने सरकार को, सरकार के साथ जुड़े सब लोगों को, जिनका काम है ये कि हमारे 2.5-3 करोड़ जनता, इसमें हम जो 3.5 लाख लोग हैं, ये 3.5 लाख लोग उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए
इस संतुष्टि के साथ हम अपने काम का निष्पादन करें और वो काम जो है काम तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें दो तीन फैक्टर और ध्यान रखने हैं। क्या समयबद्ध किया कि नहीं किया? अगर समयबद्ध नहीं किया, काम तुमने कर दिया लटका के किया, एक व्यक्ति को 20 चक्कर कटाया फिर भी उसका काम हमने नहीं किया 2100-2200 चक्कर में, तुमको करना है। समयबद्ध करने के लिए हमने बहुत सी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, राइट टू सर्विस एक्ट में समय की बड़ी पाबंदी लगाई गई है कि आप कोई सर्विस देते तो इसके लिए इतना समय लगेगा, किसी को 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 25 दिन, नहीं तो उसके ऊपर दंड भी लगेगा। अब ये अलग बात है कि राइट टू सर्विस एक्ट में अभी उसका पालन होता नहीं है, पालन हो कठोरता से उसके इंतजार क्यों करें? हम उस सिस्टम को एक बार समझ लें कि हमारे से अपेक्षा क्या की गई है, जो काम जनता का इसके लिए कितने दिन सुनिश्चित किए गए हैं उतने पर काम करना ही चाहिए। तीसरा मैंने बताया भ्रष्टाचार, जैसे पहले उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार भी एक अपने आप में चैलेंज है, इसके भी नए नए तरीके लोग निकाल लेते हैं और ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं कि अगर कोई पीएचडी करने वाला व्यक्ति पीएचडी करने लग जाए तो पीएचडी कर सकता है कि हमने कानून ये बनाया था, उसने इसको तोड़ने के लिए कैसे उसने भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये हर समय जिनके दिमाग दिमाग में ये है उनको भ्रष्टाचार से कैसे रोकना है काटना है, तो तुरंत उतनी चुस्ती फुर्ती से हमको भी इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढना चाहिए। और एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे कारगर जो उपाय हमें अब तक ध्यान में आया है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस हम कम करेंगे, जितना ई गवर्नेंस पर आएंगे उतना भ्रष्टाचार कम होगा। डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़ना होगा जितना कम से कम, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर कभी कभी इसलिए दी जाती है कि आपको लगता है कि नियम के अनुसार किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन वो डिजर्व करता है। हम इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि हमारे हाथ में थोड़ी सी बात तो रहे ना, किसी को थोड़ा लाभ पहुंचा सके। अगर यहां तक होता है तब तो उस डिस्क्रिशन का लाभ होता है, लेकिन यदि उस डिस्क्रिशन को हमने उपयोग करते समय यह ध्यान नहीं रखा कि यह डिजर्व करता है इसको देना चाहिए, बल्कि ये मेरा है ये तेरा है, ये मेरे नमस्ते नहीं करता, ये मेरे साथ चाय नहीं पीता, ये मुझे ये नहीं करता वो नहीं करता, इसके अनुसार मैं उसको दूंगा जो मेरा है, जो तेरा है या नहीं है मेरा उसको मैं दूर रखूंगा। इस डिस्क्रिशन का यदि कोई प्रयोग करेगा, क्योंकि डिस्क्रिशन है शायद दंड तो ना दे पाए, लेकिन मन में ये विचार करो कि हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कल को ये डिस्क्रिशन समाप्त ही करनी पड़ सकती है। जो डिस्क्रिप्शन दी होती है उसका उचित उपयोग होगा तो डिस्क्रिप्शन बढ़ सकती है, अनुचित प्रयोग करेंगे तो डिस्क्रिप्शन समाप्त हो जाएंगे। बातें बहुत छोटी छोटी ध्यान रख करके हम आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आ रहा है 2014 का या शायद 2015 की घटना है, शुरू की मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था, तो रास्ते में स्थान है लड़सौली रेस्ट हाउस में भी रुका और वहां पर बैठते मैंने कहा कि भाई, उन्होंने पूछा कि साहब चाय? मैंने कहा ठीक है, चाय का कप आ गया, बिस्कुट आ गया, नमकीन आ गया। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई मुझे पीएन था, इसके पैसे कहां से लाते हो? कहने लगे तहसीलदार साहब खड़े हैं बाहर, वो देते हैं। मैंने तहसीलदार को बुलाया, मैंने कभी पैसे कहां से लाते हो? कि जो अपने पास से खर्च करते हैं। मैं कभी ये अपने पास से खर्च करने की सेवा कब से कर रहे हो? अब वो चुप कर गया। पता तो हमको होता ही कि तहसीलदार अपनी जेब से खर्च क्यों करेगा, तो उसको खर्च करने के लिए अगर वो 500 रुपया खर्च करेगा तो 500 उसको गुणा कितने से करेगा ये उसी का मन जानता है, लेकिन वो करेगा। उसमें शिकायतें आई आती हैं, पहले भी आते हैं फिर भी आते रहे। मुझे और तो कुछ सुझा नहीं, मैंने उठा करके चीफ सेक्रेटरी और पीएससीएम को फोन किया, मैंने कहा भी ये जो ये खर्च करते हैं इनको कहां से आता है? वो भी चुप हो गए कि हमें तो पता नहीं कहां से आता है, डीसी बताएंगे। अब डीसी क्या बताएंगे, वो कहते तो इनके जिम्मे पुराना चला आ रहा है सिस्टम, वही करते हैं, हम तो करते नहीं। उनको तुरंत हॉस्पिटैलिटी के नाम से हर जिले में कोई न्यूनतम व्यवस्था करो, और मुझे जहां तक ध्यान में है शायद डीसी साहब यहां बताएंगे, उस समय 2 लाख रुपया साल का किराया था हॉस्पिटैलिटी के नाम से, चाय पानी का किराया था। आता क्या आता कि भले ही अफसरों की चाय पिलानी है, नेताओं की चाय पिलानी है, वो हर नेता से 10-5 रुपए तो नहीं ले सकते। अमेरिकन सिस्टम तो यहां अभी नहीं है, अमेरिका में तो जिसको चाय पिलाते हैं कोई बड़े से बड़ा आदमी होता है उससे पैसे मांग लेते हैं। यहां इतना भी तो कहती थी देवो भव हम कहते हैं तो शायद उतना तो ना कर पाए हम, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार करेगी तो कम से कम तहसीलदार और तहसीलदार में भी ईमानदार तहसीलदार वो स्थायी रूप से ईमानदार बना रहेगा।
अब ये व्यवस्था बदलने का काम हमारे धर्म में हमने कर दिया, आपके धर्म में तो आप भी कराओ, क्यों ना कराओ? ये भ्रष्टाचार होता क्यों है, इसकी जड़ में क्या है? और जड़ पकड़ में ना आए तो फिर मुंडी पकड़ करना तो पड़ेगा। भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। हमने पिछले दिनों में एंटी करप्शन डे के ऊपर भी इसी प्रकार का कार्यक्रम किया था, लेकिन वो संयोग ऐसा था तो छोटे ग्रुप में था। आज हमने कहा कि सारी व्यवस्था पूरे प्रदेश के सब कर्मचारियों के सामने रखेंगे, और न केवल रखेंगे अपील भी करेंगे कि ये प्रदेश किसी एक आदमी का नहीं है, ये प्रदेश सब 3.25 करोड़ लोगों का है, और 3.25 करोड़ लोगों ने हमें जो जिम्मेवारी दी है तो जिम्मेवारी को हमने निभाना है। हम इसमें से 3.5 लाख लोग हैं, 3.5 लाख लोगों की जिम्मेवारी है इस प्रदेश को सुरक्षित रखना, इस प्रदेश को हर दृष्टि से आगे बढ़ाना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग व्यक्तिगत संबंधों के आधार के ऊपर कभी कभी ढीला हाथ पर जाते हैं। संबंध तो बनेंगे हमारे जब समाज में सेवा करेंगे, काम करेंगे, किसी उठना बैठना होगा, चाय पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो दोस्तियां भी बनेंगी। लेकिन जब कठोरता, तो कठोरता है, कठोर कितना होना पड़ता है इसका अंदाजा आपको अगर मैं एक बात से बता दूं कि मैं चंडीगढ़ में सेक्टर 3 में रहता हूं, और सेक्टर 3 के अंदर बहुत बड़ा मकान सरकार ने दिया हुआ है, बहुत लोग आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। 2 पोर्शन है उसके, एक तो व्यक्तिगत मिलने जुलने के लिए जहां मैं रहता हूं वहां आते हैं, एक कैंप ऑफिस है वहां जनता बड़ी संख्या में आती है, उनको मैं दोपहर को घंटा 2 घंटे कभी कभी मिल लेता हूं जब वहां होता हूं। लेकिन मैंने अपने परिवार के लोगों को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को रखा है कि जो मेरा व्यक्तिगत आवास है, जहां मेरा निवास है, उस 1 नंबर कोठी में आप में से कोई नहीं आएगा। जिसने आना है 2 नंबर कोठी में जनता के बीच में आना, और जनता में आके मिलते हैं, वो भाई हो, बहन हो, भतीजा हो, भाई कोई भी हो, उस जनता में आके मिलते हैं, नहीं आने देता। बल्कि हमारे कुछ अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं, उनको मना करता हूं, कोई फेवर करने की जरूरत नहीं है। नियमानुसार जो लाभ उनका जो ले सकते हैं लें, कोई भी ले सकता है, नियमानुसार किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने अगर एक ध्येय रखा है कि कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई किसी के साथ फेवर नहीं, अगर करना है तो जस्टिस, जस्टिस एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारा नियम रहना चाहिए, उसी में से गवर्नेंस निकलेगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम कोई कहें कि वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे, ऐसा मत होने देना। आप शर्मिंदा मत होना कि कोई आपका दोस्त है वो कुछ गड़बड़ कर जाए, दगा कर जाए, तो उसको बता के रखना इस दोस्ती का लाभ जनता की कॉस्ट पर ये मत उठाना। इसलिए ईमानदारी से काम करना है, और उसमें हम लोग सब बराबर हैं, कोई इसमें हमारे लिए छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब एक समान हैं। मैंने आपको प्रारंभ में अपने साथियों के रूप में पुकारा है, तो मैं और आप सब साथी हैं, सब एक साथ मिल करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, और इसको अब आगे बढ़ाने के लिए कुछ और बातें जो है, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन की थ्योरी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपनी जितनी भी सत्ता की चीजें हैं उसको सबको एक हाथ में रखने की बजाय डिसेंट्रलाइज करने का विश्वास हमारा है, और उसमें 2-3 चीजें हमने की है। पहला तो पंचायती राज की शक्तियां, ये हमारे 74th Amendment में पंचायती राज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, उसके अंदर उनकी बहुत ताकतें हैं, बहुत यानी साधन इकट्ठा करने, सोच इकट्ठा करने की चीजें, उनके जिम्मेवारियां दायित्व तो बहुत है। हरियाणा के अंदर वो नहीं चलता था, हमने आकर के इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई है, और उस इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उनकी पावर्स बढ़ा दी हैं। हर एक विभाग को कहा है कि जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतें, जो काम उनके जिम्मे लग सकता है वो जिम्मे लगाइए, और जो रिसोर्सेस उनके हैं उनको जितनी भी हम ताकत दे सकते हैं स्वयं निर्णय करने की, उस स्वयं निर्णय करने की उनको ताकत दें। ये हर चीज प्रदेश सरकार के वहां से, मंत्री के हाथ से, या केंद्रीय मंत्री के हाथ से, या मुख्यमंत्री के हाथ से चलेगी, ऐसा नहीं है। जिसकी जिम्मेवारी उसको देना चाहिए, और उनको देने के लिए उनकी जो, उनका जो पावर ऑफ थिंकिंग है, उनके जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये भी हम करेंगे।
ताकि वो ज्यादा ज्यादा काम ठीक से कर सकें। उसके लिए हमने सिस्टम शुरू कर दी है, उनकी ट्रेनिंग ये भी शुरू कर दी है। और स्थानीय निकाय के अंदर एक नियम जो बनाया, जो उस गवर्नेंस के सब जो पहलू हैं उसमें से एक पहलू अपना है, वो है हमने पढ़ी लिखी पंचायतें ये बनाई है। यानी किसी प्रदेश में, देश के किसी प्रदेश में ये पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून ये नहीं बनाया गया, हमने आके बनाया। इसके ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हरियाणा इज द स्टेट जिन्होंने ये काम किया, नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो दिस शुड बी फॉलो। ये उसका एक उदाहरण है कि उनको एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल नागरिक के नाते, यानी जनता के प्रतिनिधि के नाते हम उसको ला रहे हैं। दसवीं से पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। यानी खास करके बिजली के बिलों का, जब हमने बिजली के बिलों को रिकवर करना शुरू किया तो कहा कि पहले हमारा ये जो जनप्रतिनिधि है ये अपने आप को लागू करे, हमारा जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी ये अपने ऊपर लागू करे कि हम, हमारे घर का जो मीटर है हम डिफॉल्टर तो नहीं है। अगर हम डिफॉल्टर हैं तो हम जनता को कुछ नहीं कह सकते, घर में शौचालय है क्या नहीं है ये हमने कंडीशन लगाई, क्योंकि उस समय हर घर में शौचालय का अभियान चल रहा था और वो चलाना पंचायतों को ही था, तो इसलिए उस कंडीशन को रखा। तो ऐसी पांच कंडीशन रख करके हमने उस रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि ये हमने उसका शिक्षण किया। अभी हम हिप्पा, हमारा जो गुरुग्राम में ही एक संगठन है जिसका काम है हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, मैंने पीछे पूछा हमारे जो चेयरमैन है हिप्पा के, उनको बताया, पूछा, कहने लगे जी हमारे यहाँ जितना अपेक्षित है वो नहीं हो रहा। सुरेंद्र राजन लग गया, अभी मैडम सुरेंद्र राजन हमारी आईएएस अधिकारी बहुत अच्छी है, तो उनसे मेरी बात हुई है कि क्या हम 3.5 लाख हमारे अधिकारी इनका साल में एक बार या 2 साल में एक बार कोई प्रशिक्षण, कोई रिफ्रेशिंग ये करा सकते कि नहीं करा सकते, क्योंकि समय समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती है, समय समय के हिसाब से वर्किंग सिस्टम बदलता है, सिस्टम बदलता तो हमको बदलना चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि ठीक है हम एक टाइम टेबल अपना शेड्यूल बनाते हैं कि हरियाणा के सभी 3 लाख हमारे अधिकारी कर्मचारी इनका अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनका एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग और उनके रिफ्रेशिंग कोर्स ये होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जो कर्मचारी बनते हैं बताया जरा, होने चाहिए ना। तो इसलिए इसकी आवश्यकता हमको महसूस होती है। आखिर जब हम 365 दिन का साल है, हम मान लो छुट्टियां निकाल करके अगर 350 दिन भी काम करते हैं, 250 दिन भी काम करते हैं, तो उसमें 5 दिन 10 दिन इस बात के लिए निकाल सकते हैं। अच्छी डिलीवरी कैसे हो इसकी हर समय हमको आवश्यकता लगती है, वो जरूर होना चाहिए। बहुत चीजें हमने की हैं, कुछ आगे करने वाले हैं, कुछ आज भी, कुछ वैसे 3-5 शायद प्रदेशव्यापी ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आज हम इनॉग्रेट करेंगे। जो अभी तक हमने इनिशिएटिव लिए हैं, उन इनिशिएटिव में राइट फ्रॉम 2014 पिछले 5 साल के अंदर जो हमने किया, केवल लिस्ट में 5-10 पढ़ देता हूं। हमने BOC में एंट्री समाप्त की है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है जिसके कारण से भ्रष्टाचार जो होता था उसको मेरिट पर नौकरियां देने के लिए एक बड़ा एक जो काम है वो हमारा ये था। एक साथ जब 18,218 ग्रुप डी की नौकरियां दी थी उसके कारण से हरियाणा के अंदर मैसेज गया कि हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहां कभी कोई अपेक्षा कर नहीं सकता था, ये हमने करके दिखाया। गरीब से गरीब ऐसे परिवार जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी ग्रुप डी की नौकरी लग जाएगी, उनके घरों की नौकरियां मिली। और न केवल ग्रुप बी और सी और डी, हमने ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम HCS लेवल तक भी किया। HCS का एक अधिकार सरकार को होता है कि वो कर्मचारी क्लरिकल स्टाफ में से कुछ लोगों को कोटा होता है कि आप HCS बना दो, आपको सबको पता ही है, बहुत लोग आते रहे एप्लीकेशन लेके मुझे भी रिकमेंड कर दो। हमने उसका टेस्ट ले लिया, मेरिट के आधार पर करेंगे। जो आखिर तो इस HCS ने, आप में से बहुत HCS बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन का 30 से 35 साल जनता की सेवा करनी है, तो इस 30 से 35 साल के लिए अच्छा मेरिट वाला योग्य व्यक्ति आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमने अपना अधिकार छोड़ दिया, हमने कहा टेस्ट लो, इंटरव्यू कराओ, और उसमें से 17 या 18 HCS इस पद्धति से चुने गए। हमारे पास तो बाद में फाइल आया, इंटरव्यू के लिए भी बहुत सख्त सिस्टम बनाया कि उस सिस्टम में से अब कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है। जिस दिन लास्ट व्यक्ति का इंटरव्यू हो जाए
उस दिन उठा के लिस्ट लगा दो, कहीं किसी से इंटरनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, नहीं तो इंटरनल कॉन्फ्रेंस के नाम सुनते रहे। अभी 166 जो लोग लगे हैं, मुझे अब अफसोस कहूं या क्या कहूं, 5-7-8 बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके बेटे नहीं लग पाए। और लोग तो कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो शायद सारे लग जाते। हमने कहा कोई भी हो, नजदीक से नजदीक भी अपनी योग्यता पर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसलिए हमने वो सब किया है। रजिस्ट्रेशन का मैंने बताया कि ई रजिस्ट्रेशन से आज तहसीलों में मामले काफी हद तक ठीक हुए हैं, फिर भी जो कोई कमियां हैं उसके अंदर हमको ध्यान में है। हमने अपने डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा कि इन कमियों को ठीक करो, कि कोई भी चीज अब तहसील में भ्रष्टाचारी सुनाई देना नहीं चाहिए, क्योंकि आम जनता इससे बहुत त्रस्त है। यह भी ठीक है कि जनता के कुछ लोग उसमें लाभ उठाते हैं उन कमियों का और भ्रष्टाचार पनपता है, लेकिन वो नहीं पनपना चाहिए। आखिर ये रियल स्टेट ऐसा विषय है या भूमि का ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति, गरीब से गरीब का भी, अमीर से अमीर का भी, सबका वास्ता पड़ता है। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से होगा तो सब लोग उसका अभ्यास बन जाएगा। जमीन खरीदने का हमने सिस्टम अभी तक एक्वायर करने का था, हमने ई भूमि पर जमीन ओपनली नेगोशिएशन के साथ खरीदने का सिस्टम बनाया कि आओ अपनी जमीन बेचने का रेट लगा दो, सरकार जरूरत होगी तो आपके साथ बातचीत करके कमेटी बनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी कमेटी के सिस्टम है बने हुए, उसमें ओपन एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, क्यों सरकारी एक्सचेंजर के ऊपर कम से कम पैसा लगना चाहिए। आखिर सरकार का पैसा हम सबका है, 4 लोगों की जमीन ली वो पैसा तो 4 लोगों को मिलना है, लेकिन जाना किसके पास है? 4 लोगों के पास जाना है, आना किससे है? पूरी जनता से आना है, उसका अधिकार पूरी जनता का है। तो जनता का पैसा केवल 4 लोगों को या 2 लोगों को मिले, ये कोई उचित न्याय व्यवस्था नहीं है। हाँ, उसकी चीज का दाम उसको पूरा मिले, उसके लिए ई भूमि सिस्टम हमने खड़ा कर दिया। किसान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ताकि उसका रजिस्ट्रेशन होकर के उसको कोई कठिनाई ना आए, मंडी में उसका माल बिक जाए, उसका पेमेंट ठीक से उसको सीधा हो जाए, और मंडी के अंदर बाहर के लोग जो आके बेचते हैं उनकी बजाय हमारे अपने किसान का बिक जाए, कल को उसका नुकसान होता है फसल के अंदर उसको ठीक से उसका मुआवजा मिल जाए, तो ये सारी चीजें प्लानिंग ठीक बन जाए। कोई चीज कभी कभी सरकार को योजनाएं बनानी पड़ती है, किसी चीज को प्रोत्साहन देना पड़ता है और किसी चीज का थोड़ा डिस्करेज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी योजना बनानी पड़ती है। हमने पिछले दिनों में कहा था कि धान की बुआई ये कम करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि धान पानी बहुत पीता है, तो पानी का संकट इसको कम करना है। धान की बहुत हमारी आवश्यकता भी नहीं है, जिन चीजों की आवश्यकता है उसकी बिजाई करनी चाहिए। बहुत किसान आगे आ रहे हैं, तो इसलिए उस ई भूमि के माध्यम से ये सब, ई भूमि नहीं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके माध्यम से ये व्यवस्थाएं ठीक की जा रही है। DBT का सिस्टम लागू किया, और जिनको बेनिफिट है वो सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाए, किसी के थ्रू ना बांटे जाए। बहुत समस्याएं हमने देखी कि वो निकलता कुछ है, बेनिफिशियरी को कुछ और पहुंचता है, रास्ते में कहना कि उसका कट जाता है मामला, तो DBT के माध्यम से उसको सीधा पैसा बैंक में पहुंचता। पिछले 5 साल में जब से DBT का सिस्टम शुरू किया, 46,000 बेनिफिशियरीज को 244 करोड़ रुपया इन्होंने ट्रांसफर किया है, एक अच्छा इसमें। और DBT के कारण से सरकार को भी लाभ हुआ है बहुत, घोस्ट बेनिफिशरीज ये काफी कम हुए हैं, इसलिए उसमें भी 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का ये बचे हैं। PDS सिस्टम को हमने EPDS किया, ताकि उनके POS के माध्यम से राशन जिसको जितना मिलना है, अगर कम मिला इस महीने तो अगले महीने वो ले सकता है। आज कोई समस्याएं ये नहीं आती है कि मुझे मेरा राशन नहीं मिला, जहां समस्या आती है तुरंत वो हल हो जाती है, तुरंत शिकायत के ऊपर और उसका लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वाहन और सारथी, ये 2 प्रयोग चलाए, वाहन में उसके रजिस्ट्रेशन वाहनों के, सारथी में ड्राइवर की समस्या है, ये सारी उसके अंदर हल की है। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन उनका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनना, ऑनलाइन सब काम, ताकि आप अपने स्थान पर घर बैठे बनवा सकते हैं। ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए HEPC के माध्यम से और 45 दिन के अंदर अंदर उनको सभी क्लियरेंसेस, चाहे CLU है, चाहे वो मानो किसी भी चीज की फायर की NOC है, कोई लाइसेंस चाहिए, कोई क्लियरेंस चाहिए, सब चीजें उसको, नया एंटरप्रेन्योर जो आता है उसको 45 दिन का हमने सुरक्षित किया है। पावर का मैंने बताया, 24 घंटे बिजली देने का काम मारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत, ये पहली बार हरियाणा में 4200 गांव में आज 24 घंटे बिजली जा रही है। और इसके लिए मैं सभी हमारे पावर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी, जिन्होंने बहुत जोखिम उठाए, झगड़े भी हुए हैं, फिर भी उन्होंने सबसे समझा कर बुझा कर बातचीत करके
और इस लेवल तक ये समस्या बहुत भयंकर समस्या थी। 27,000 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ा घाटे का, तो घाटे सारे बंद हो गए, सब कंपनियां प्रॉफिट में आ गई हैं, रेट भी हमने कंज्यूमर के कम कर दिए हैं। लेकिन अभी और जो 2100-2200 गांव हैं उसमें थोड़ी थोड़ी जो कमी है उनको भी पूरा करके सब गांव के अंदर 24 घंटे बिजली जाए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सब आपको पता है, हर एक विभाग की बनाई जा रही है, सबसे पहले शिक्षा विभाग की बनाई थी, धीरे धीरे करके हर विभाग के कर्मचारी, और मैं समझता हूँ कर्मचारी को संतुष्टि हो जाती है कि भी मुझे अब ट्रांसफर नोट लेके घूमना नहीं पड़ता है, एक सिस्टम बन गया, और सिस्टम से जहां मेरी बारी आएगी आ जाएगी। ये लालच छोड़ना पड़ेगा कि मैं हर समय अपने घर के नजदीक रहूं, और मेरी अप्रोच है तो मैं घर के नजदीक आऊंगा, जिसकी अप्रोच नहीं है वो 100 किलोमीटर दूर जाएगा। सिस्टम से जिसकी जहां बारी आती है, और जो यंग कर्मचारी हमारे हैं एम्प्लाइज है, उनको थोड़ा दूर रहने का अभ्यास भी रहना चाहिए। शारीरिक अवस्था जिनकी ऐसी होगी जिनको घर के नजदीक रहना है उनको बारी पहले आनी चाहिए, रिटायरमेंट के नजदीक घर के नजदीक आना ही चाहिए। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, हमने छोटी छोटी योजनाओं का लाभ जनता को मिले, सीधा लाभ अंत्योदय केंद्र सरल केंद्र, इसमें भी लगभग 550 सेवाएं अंत्योदय केंद्र और सरल केंद्र के माध्यम से योजनाएं और सेवाएं सब बढ़िया चल रही है, और जनता का जिसमें बताया फलाफल बहुत हो रहा है, अब उसको कोई समस्या नहीं आती है। समस्या आए तो शिकायत आती है, शिकायत के बाद उसको तुरंत उसका समाधान होता है। न्यू बॉर्न चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन, ये भी हमने आकर के किया था पंचकुला में, कि हर जो बच्चा नवजात शिशु है उसका रजिस्ट्रेशन उसी समय होना चाहिए, 1 साल के अंदर उसको आधार कार्ड मिलना चाहिए, और ये भी हमने हरियाणा में सबसे पहले करके सारे देश में कई प्रांत इसको कर रहे हैं। सीएम विंडो की बात मैंने बताई। एक विषय परिवार पहचान पत्र, वो प्रोसेस में चल रहा है, हर एक परिवार का एक पहचान नंबर होगा, और उस परिवार में कितने सदस्य हैं, किसकी क्या स्टेटस क्या है उनका, कौन क्या करता है, किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, और क्या लाभ व्यवस्थाओं का ले रहे हैं, कौन सी व्यवस्थाओं का लाभ मिल सकता है। धीरे धीरे आप सब लोगों के सहयोग से इसको हम ऐसा बनाएंगे कि व्यक्ति को ना आना पड़े सरकारी योजना की यानी सहायता लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए, बल्कि हम डाटा देख करके कह सकें कि हरियाणा में ये 50,000 लोग ऐसे हैं जिनको ये सहायता पहुंचानी चाहिए, उसके घर में जाकर के पहुंचा के आए, ये मॉडल हरियाणा में हम खड़ा कर रहे हैं, ये शायद खड़ा नहीं किया। तो ये गुड गवर्नेंस का एक बड़ा मॉडल बनकर के आएगा, जो लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स और अभी +2, इन सबको रजिस्टर किया है कि वो भी 100 घंटे काम के बदले उनको पैसा दिया जाए, ताकि माँ बाप पर पढ़ाई लिखाई के बाद वो योजना बने, उस 3 साल में अपने आप को खड़ा करें। और भाई जो आदमी 3 साल भी अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब उसको सोचना पड़ेगा कि वो पढ़ लिख के भी आया है या वैसे ही सर्टिफिकेट ले आया है। उसकी ट्रेनिंग भी कराएंगे, स्किलिंग करा के उसको कोई ना कोई अवसर उसको लाभ मिले, तो ये सारा भी हम कराएंगे। महिला सुरक्षा में महिला थाने की हमने बात की, दुर्गा ऐप का विषय भी आया, वो हमने चलाया। ग्राम सचिवालय, गांव के अंदर भी लोगों को ऑनलाइन सर्विस मिले, आज 1785 गांव के अंदर, ये 2200 का टारगेट था इस 5 साल का, 1785 गांव में अभी ग्राम सचिवालयों में कंप्यूटराइज ऑनलाइन सिस्टम हो गए हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं, ताकि हर गांव में भी छोटा बड़ा कोई भी गांव है उसके अंदर भी अब सारी जो सिस्टम है ऑनलाइन चलने चाहिए। गांव गांव में कंपटीशन चले योजनाओं का, वो कैसे अपने इनिशिएटिव से उनका लाभ लेकर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। 7-स्टार इंद्रधनुष योजना, इसमें भी लगभग 4,500 गांव ने पार्टिसिपेट किया है, किसी को 1 स्टार तो किसी को 6 स्टार तक लाभ उनके मिले हैं। अभी संयोग से 7 स्टार पर एक भी गांव पहुंचा नहीं है, लेकिन उसमें सरपंच पंचायत ने सब होड़ में आ गई है कि नहीं ये चीज हमको करके दिखानी है, उनका एक ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन होता है, उनको आगे बढ़ाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय ये अपने को ध्यान में है कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए, इसका भी एक बहुत अच्छा परिणाम, हम उन प्रमुख राज्यों में आ गए हैं जहां भी कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जेंडर रेशो में, हमारा 934 का जेंडर रेशो ये मंथली 1 महीने आया है, और अभी एनुअल जो है 922-923 तक हम पहुंच गए हैं। बिल्डिंग प्लान्स और यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये जो हमारा जो अर्बन लोकल इसका अर्बन लोकल बॉडी तो साथ में टाउन कंट्री प्लानिंग इनकी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसमें ऑनलाइन सारे बिल्डिंग प्लान ये सब मिलते हैं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सब मिलते हैं, जिसके लिए इनको घूमना पड़ता था वो घूमने की अब आवश्यकता नहीं है।
जीएसटी का टैक्स कलेक्शन, एक नया युग आया है देश में कि अब जीएसटी से सारा देश अब एक हो गया है और उनको अब एक टैक्स के आधार पर जीएसटी से चोरी भी कोई नहीं कर सकता, कोई करेगा तो बीच में पकड़ा भी जाएगा। जितने व्यापारी हैं वो रजिस्टर करा रहे हैं, जो एक लिमिट है वहां तक 4.5 लाख व्यापारियों ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है, और इसमें जो कोई चोरी करेगा तो ई बिल व्यवस्था, यानी रास्ते में भी ई वे बिल के माध्यम से, रास्ते में भी अगर कोई गलत माल आ रहा है यानी बिना बिल का आ रहा तो रास्ते में भी चेक हो जाता है। इससे भी एक सिस्टम ठीक हुआ है और इसमें टैक्सेशन में बहुत लाभ मिला है। हरियाणा का टैक्स जीएसटी का सारे देश में हम शायद 4थे स्थान पर 5वें स्थान पर है वृद्धि के अंदर, सारा देश यानी अभी बहुत पीछे है कई प्रांत हमारे, लेकिन उसमें काफी आगे आए हैं। एक आम जनता को खास करके जो जमीन को केसेस लड़ते रहते हैं, पुश्तैनी जमीन है, 20-20 साल 30-30 साल उनके रेवेन्यू के कोर्ट्स में केस चलते रहते हैं, वहां एक रिमांड की जो व्यवस्था थी कि कोई भी पटवारी से शुरू हुआ ऊपर पहुंचते पहुंचते एफसीआर तक, रास्ते में कहां उसको किसी अधिकारी को लगा कि यहां ये कौमा नहीं लगा हुआ था, उसने उठाया और क्या कर देता था, रिमांड। फिर नीचे से ऊपर गया और 5 साल बाद फिर रिमांड, 30-30 साल 40-40 साल से केस रेवेन्यू कोर्ट में अटके रहते हैं। हमने रिमांड की पावर ही खत्म कर दी कि कोई अधिकारी अब रिमांड नहीं कर सकता। आपके पास जो भी कोई केस पहुंचा है उसमें अगर कोई कमी है तो जिस अधिकारी के पास पहुंचा है वही अपना बुलाएगा, जो भी लैंडलॉर्ड है जिसके नाम की जमीन है वो वही ठीक करेगा, एक अपील ऊपर जाएगा, नीचे वापस नहीं कर सकते। नीचे ने जो करना था उसने अपनी जो बुद्धि लगानी थी लगा दी है, हर बार नई बुद्धि लगेगी ऐसा नहीं है, व्यक्ति तो नया आ सकता है लेकिन जो फाइल लिखी गई है उस पर तो बार बार उसको परेशान करने का विषय है। अपील हो गई, बाद में फिर कोर्ट में जाओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम खत्म। ये हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोझ के नीचे दबा था, इसको भी काफी सहूलत हो गई और लोगों को भी सहूलत हो गई है, रिमांड की पावर ही खत्म कर दी है। किसान को होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए हरियाणा ने बहुत सफलतापूर्वक भावांतर भरपाई योजना इसको लागू किया है, ये भी हमारा इनिशिएटिव था। हालांकि मध्य प्रदेश शुरू किया, मध्य प्रदेश में सफल नहीं हुआ, हरियाणा में बहुत अच्छे प्रकार से सफल हुआ है। 4 सब्जियां पहले की थी अब 8 कर दी हैं, अभी 17 सब्जियां और लाइन में हैं कि जिनको हम सब्जी फल या पेरिशेबल आइटम्स उनके ऊपर इसको लागू कर रहे हैं ताकि किसान को किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो मित्रों बहुत से काम हमने किए हैं, आज भी कुछ ई गवर्नेंस की योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जिसके अंदर एक तो वेबसाइट हर एक जिले की अपनी होगी, 22 के 22 जिलों की ये वेबसाइट इसको अभी आज लॉन्च कर रहे हैं। कुछ नए इनिशिएटिव आगे चल करके भी हम लेने वाले हैं, उसकी चर्चा जैसे जैसे वो आएंगे वैसे वैसे हम करेंगे, लेकिन उसमें मुख्य रूप से ये जो 5 किए गए हैं इसमें लालडोरा और ये रिमांड की व्यवस्था सब आ गई है, लोकायुक्त पोर्टल है, तो ऐसे ये नए इनिशिएटिव जो ये आज लिए गए हैं। कुल मिलाकर आज इस गुड गवर्नेंस के नाते से जो एक हम लोग इसको जिस प्रकार से विचार किया है, अगर हम अपने मन को बढ़ा लेंगे तो इसके जो परिणाम है वो बहुत सुखद होने वाले हैं। और जनता में जो एक विश्वास की कमी होती है कि सरकार के ऊपर विश्वास, अगर सरकार का इकबाल सही है तो सरकार के ऊपर विश्वास भी चाहिए कि हमारी सरकार जो है वो हमारे लिए कुछ करती है, ठीक करती है, समस्या का हल करती है, ये विश्वास पक्का हो जाएगा। और विश्वास का जो संकट है समाज में आपस में बना हुआ वो यदि समाप्त होता है तो समाज परस्पर सहवास, परस्पर सामंजस्य, परस्पर एक प्रेम प्यार भाईचारा ये आपस में बनता है। वरना झगड़े में हम एक दूसरे को कैसे पीछे करें, एक दूसरे को कैसे नीचे करें, ये जो झगड़े चलते हैं और वो इसलिए चलते हैं कि उनको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। हर व्यक्ति को हर परिवार को न्याय यदि मिलेगा तो उनका विश्वास बढ़ेगा और मन में जो क्रोध है वो कम होगा, तो समाज जो है शांतिपूर्वक आपस में रह सकेगा और एक होकर के काम करें। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा हमने दिया था तो इसीलिए दिया था कि हरियाणा का समाज अब अपने आप को छोटे छोटे वर्गों में बांट के ना देखे, वो देखे कि मैं हरियाणवी हूं। कंपटीशन की भावना होती है व्यक्तियों में भी समाज में भी, कंपटीशन में आपस में कंपटीशन करें, उतना ही करें जिसमें से एक दूसरे को लाभ भी हो, एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए नहीं, छोटी लाइन के मुकाबले में बड़ी लाइन खींचें, किसी की लाइन मिटाने के लिए नहीं, तो बड़ी लाइन हम खींच सकते हैं, हम लोग इकट्ठे होकर चलें। यानी कई बार तो छोटे जो कबीले होते हैं कई बार बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और जंगलों में भी रहते हैं, उनमें भी संस्कार विचार सांस्कृतिक ये जो प्रवाह है
ये कई बार बहुत अधिक होता है। हमने बहुत उदाहरण वहां के देखे। एक उदाहरण जो ध्यान में आता है कि एक जो मैंने पढ़ा कहीं अफ्रीका का एक छोटा कबीला, वहां की घटना पढ़ी मैंने, जो एक उस कबीले की संस्कृति को अध्ययन करने के लिए कोई वैज्ञानिक जैसे पीएचडी करने लोग जाते हैं तो वहां जाकर देखें उस कबीले का रहन सहन कैसा है, संस्कृति कैसी है। तो वो चला गया वहां जंगलों में, वो कबीला रहता था, उन्हें प्रयोग किया है, उन्होंने दूर कुछ बच्चे खड़े करके अपने साथ और दूर में एक फलों का टोकरा रख दिया और कहा कि आप दौड़ लगाओ और दौड़ लगा करके जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा उसको फलों का टोकरा मिलेगा। तो जब इतनी बात सुनी तो बच्चे सारे एक दूसरे की तरफ देखने लग गए और वो देख करके जैसे ही ये जो वैज्ञानिक थे जो पीएचडी कर रहे थे उनके ऊपर वो हैरान हो गए कि बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला और हाथ डाल करके सब इकट्ठे दौड़ पड़े और दौड़ करके सबने मिलकर के उस टोकरे को उठा लिया। अब ये अध्ययन करने गया था तो इसने पूछा कि बच्चों ये कैसे किया, क्या किया तुमने, मैंने तो दौड़ लगाने के लिए कहा था, दौड़ लगाते तो जिसको मिलता उसको पूरा टोकरा मिलता और अब तुम गए हो तुम्हारे हिस्से में थोड़ा थोड़ा आएगा तो तुमने पूरे टोकरे का लालच क्यों नहीं किया। तो उसने उन बच्चों ने एक साथ जो कहा और वो शब्द उन्होंने कहा एक शब्द था उनका कोई उन्हीं की भाषा में उबांग ऐसा करके एक शब्द था उबांग उबंतु उबंतु। तो उनका यह क्या अर्थ है, उनका क्या इसका अर्थ है, हम सब एक हैं। तो ऐसे कबीले वाले भी कई बार इस प्रकार की भाव भावना रख के अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उस भाव भावना से हमको भी संदेश लेना चाहिए कि कबीले वाले अगर सोच सकते हैं तो हम तो सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हरियाणा के रहने वाले हम नहीं सोच सकते कि हम एक हैं, सोच सकते कि नहीं। तो हम सोचें हम एक हैं और जब एक हैं और एक होकर के यदि हम जनता के इन सब कामों को करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ जनता को होगा, संतुष्टि हमको होगी और इसके लिए प्रतियोगी भाव समय समय पर काम करता है। एक योजना मेरे ध्यान में आ रही है कि आज उसकी घोषणा कर दी जाए। हम क्या सोच रहे हैं कि अब विद इन डिपार्टमेंट विभाग के अंतर्गत और पूरे जिले के सब विभागों का मिलाकर ऐसे दो तरह के पुरस्कार ये मैं घोषित करता हूं। विभाग के अंतर्गत तीन पुरस्कार फर्स्ट सेकंड थर्ड जिले में, जिनके विभाग जिलों में काम नहीं करते वो प्रदेश के हिसाब से करेंगे लेकिन जिनके विभाग जिले में काम करते हैं उसका नंबर तय कर लेंगे भी इतने कर्मचारियों का विभाग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीन कर्मचारी विभाग के जिले में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, तो उनकी संख्या तय करेंगे कि उनमें कंपटीशन हो। विभाग के अंदर तीन पुरस्कार और जिले के टोटल सब मिलाकर के तीन पुरस्कार और इसी प्रकार पूरे प्रदेश में विभाग अनुसार तीन पुरस्कार और पूरे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी उनके तीन अलग पुरस्कार। ये सब पुरस्कार लगभग 500 पुरस्कार बनेंगे। ये अगले साल हर जिला केंद्र पर 25 दिसंबर को मूल्यांकन करके उसका निर्णय उसका परिणाम निकाला जाएगा और उस परिणाम के अनुसार 25 दिसंबर को इन सब कर्मचारियों को इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस व्यवस्था की मैं घोषणा करना चाह रहा था। एक घोषणा और है कि सभी अब जो नागरिक हैं उनको अपने जो दस्तावेज हैं उनके सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी रजिस्ट्री होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लोग अपने घर में रखते हैं, कभी गुम हो गए, कभी चोरी हो गए, कभी गल गए, कभी जल गए, इन सब समस्याओं से उनको निजात दिलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी डिजी लॉकर इसकी व्यवस्था की गई है। अब हर नागरिक अपने सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे बैंक में एक लॉकर होता है पैसे रखने के लिए या अपना गहना सोना रखने के लिए, ऐसे डॉक्यूमेंट रखने के लिए एक डिजी लॉकर ये बनाया जा रहा है। इसके अंदर हम अपनी तिजोरी में इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी में अपने सारे डॉक्यूमेंट रख सकेंगे और जहां जिस डिपार्टमेंट को देना है उस डिपार्टमेंट को वहीं से निकाल करके वो ले सकते हैं। तो ऐसा एक डिजी लॉकर की एक व्यवस्था की है इसको भी। इसी के साथ बहुत सी चीजें जो बताई गई हैं इन सब पर हमको काम करना है। काम करने के लिए आज एक दिन
इस कार्यक्रम को करके इतनी श्री नहीं होने वाला, तो एक विचार और किया है कि हम अगला वर्ष 2020, इस 2020 वर्ष को सुशासन संकल्प वर्ष ये मनाएंगे। सुशासन संकल्प वर्ष में वर्ष भर जितने भी रिफॉर्म्स, जितने भी सुशासन की व्यवस्थाएं जो किसी के भी दिमाग में आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर किसी को दिमाग में आता हो, ये किसी के भी दिमाग में आ सकता है। ये आम नागरिक गली मोहल्ले में गांव में बैठा हुआ अच्छे अच्छे सुझाव कई बार देता है, हम ऐसे सुझाव को सबको अपने पास रखते हैं, फाइलें भरी होती हैं, अध्ययन के लिए देते हैं, क्या हो सकता है विभाग के अनुसार देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव ये जनता मिलने आती है। उसमें से 5% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता, वो कहते हैं शासन प्रशासन को कैसे ठीक किया जा सकता, मैंने कोई सुझाव लिखे ये आप ले लीजिए। तो ऐसे सुझाव किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, हमारे में बड़े अधिकारी कर्मचारी, छोटे कर्मचारी अधिकारी, ग्रुप डी के सफाई कर्मचारी होंगे तो वो भी सोच सकते हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं, रिफॉर्म्स, अच्छे सुशासन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो वर्ष भर इसके लिए अपलोड करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई जाएगी कि गुड गवर्नेंस का जो नाम देकर के उसमें कुछ वेबसाइट बनाएंगे ताकि लोग इसको डाल सकें। अगला पूरा वर्ष 2020 का इनको सबको मनाया जाएगा। अब अंत में एक अपील इतनी है आप सब लोगों से कि ये तो सारी बातें जो की जा सकती हैं अपने मन को समझा करके की जा सकती हैं, एक बड़ा विषय और आता है कभी कभी कि हम अपनी कुछ छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी बातों को लेकर के आवाज उठाने के लिए विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ प्रदर्शन की जो भूमिका रखते हैं, अधिकार है हमारा प्रदर्शन करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस प्रदर्शन में काम हर्ज ना हो। और अच्छी आवश्यकता तो यह हम व्यवस्था बनाएंगे कि किसी को प्रदर्शन करने की आवश्यकता ना पड़े, और मैं देश हित में, समाज हित में, प्रदेश हित में काम कर रहा हूं ये भाव लेकर चलेंगे, अगर बहुत जरूरी है तब इस पर बढ़ें। बहका बहकाई भी बहुत चलती है और खास करके राजनीति, लोकतंत्र, प्रजातंत्र जब होता है उसमें बहुत लोग तो हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है, चलो आज तो उठाओ, नहीं होगा आवाज तो उठाओ, तो उस प्रकार की आवाज उठाने का कोई बहुत बड़ा लाभ होता नहीं है। केवल हम एक वातावरण बनाने के लिए शायद सोचते हैं कि सरकार के खिलाफ वातावरण बन जाएगा, जनता अगर साथ है तो वातावरण बनता नहीं है। वातावरण तभी बनता है जब वास्तव में पीड़ा किसी एक ऐसे लेवल की हो कि जो वास्तव में हल करने लायक है। हल करने लायक समस्या उसको सबको हल करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, सबको, चाहे वो ऑनलाइन करने पड़ेगी, चाहे कोई निर्णय देकर के लाभ की बात होगी तब करेंगे, चाहे कोई भ्रष्टाचार खत्म करने की बात है तब करेंगे, चाहे आपके हायर अप्स आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारा, उसको ठीक करना होगा वो करेंगे। अगर कोई एक हम कह रहे हैं कि भ्रातृत्व भाव रखना है और हम सब एक हैं, हमको संवेदनशीलता होनी चाहिए, तो हमारे ऊपर के अधिकारी के नीचे के कर्मचारियों के प्रति भी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि ये भी इंसान है, ये भी हमारा साथी है, इसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ अगर उठाए तो बड़ा आदमी उठाए, छोटा आदमी ना उठाए, तकलीफ उठाने का काम बड़े आदमी को करना चाहिए। तो इसलिए ये भी हम कहेंगे कि हमारे ये जो राजनीतिक तौर पर कुछ प्रेरित होकर के लोग धरने प्रदर्शन इस पर आते हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ होता नहीं है, काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जापान का एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जापान में जब कभी कर्मचारियों को रोष हो जाए सरकार में या प्राइवेट उद्योग में, तो रोष का उनका तरीका पता क्या होता है, उनकी यूनियन तय करती है कि कल हमने मानो कोई प्रोडक्शन 100 यूनिट करनी थी तो कल हमने 100 यूनिट प्रोडक्शन की थी, आज अपना रोष जताएंगे कि आज 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे, आज 125 प्रोडक्ट जो है बना के जाएंगे और 2 घंटे अगर मालिक चाहेगा बंद करना तब भी हम बंद नहीं करने देंगे, हम ज्यादा करेंगे, ये रोष उनका आ जाता है। उनको लगता है कि हमने नुकसान नहीं किया, चाहे अगले दिन उसका कम काम करा के, मानो उनकी योजना में अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो अगले दिन कम करना होगा तो कर लेंगे, लेकिन रोष प्रकट करने का यह तरीका है। अब सब जापान बन जाएगा इस नाते से देश, हरियाणा ऐसा तो मेरी उतनी बड़ी अपेक्षा नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी अपेक्षा जरूर है कि काम का हर्ज ना हो। काम हर्ज होता है तो जनता परेशान होती है, हमारी परेशानी तो सब होती है लेकिन जनता ज्यादा परेशान होती है। मैंने समय को ज्यादा लिया, आपने सुना,
पूरे प्रदेश के लोगों ने इसमें जितनी काम अपने को लगे कि जनहित की बात है, प्रदेश हित की बात है, उतनी अपने पास रखें। आपको लगता है कि मैंने कोई व्यक्तिगत हित की बात की है उसको बेशक छोड़ देना, लेकिन जनहित में प्रदेश हित में जो बातें ठीक है उनको अवश्य अपने साथ लेके जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरा, नियमानुसार करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि नियम को तोड़ के करना चाहिए, नियम के अनुसार करें। कभी कभी एक व्यवस्था से फिर समय ऐसा आता है, अवसर ऐसा आ जाता है कि नियम अनुसार काम व्यक्ति का हो नहीं रहा, व्यक्ति ज्यादा मेरा काम होना चाहिए, तब हमको विचार करना चाहिए कि क्या ये जो सोच रहा है इसका काम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो नियम आड़े आ रहा है, तो नियम को क्या करें। अब नियम बदलने के लिए आप कहेंगे कि हमारे पास तो अधिकार नहीं है, और ये अधिकार निश्चित रूप से वही व्यक्ति जब किसी एमएलए एमपी के पास जाएगा, वहां से सरकार के पास चीजें आगे बढ़ेंगी, तो नियम बदलने का काम तो हमारे पास है। हम नियम और कानून को बदल भी सकते हैं, हेतु नियम का पालन कराना नहीं है, नियम अनुसार जनता को संतुष्ट करना है। संतुष्ट करना पहला हमारा काम है, और अगर संतुष्ट करने में नियम आड़े आ रहा है तो मैं आपको वायदा करता हूं कि हम उस नियम को बदल देंगे, हम उस नियम को नहीं रखेंगे। रूल्स फॉर अस, वी आर नॉट फॉर रूल्स। हम नियमों के अधीन नहीं है, नियम हमारे अधीन है, जनता के अधीन है, और बहुत बार ऐसा करना पड़ता है। एक बार एक नौजवान ने, स्टार्टअप नौजवान, तो उसने एक ऐप बना दी। ऐप क्या बनाई, पेट्रोल पंप के लोगों को, जनता को उसका कंसर्न था दोनों का, कि कोई भी उस ऐप पर किसी पेट्रोल पंप को उसका नाम भरेगा और उसको कहेगा कि मेरे घर पर डीजल पेट्रोल ये भिजवा दीजिए, 10 लीटर 20 लीटर मुझे जरूरत है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, घर भेज दीजिए। ऐप बन गया, कुछ पेट्रोल पंपों ने उसका पालन करना शुरू कर दिया। बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये तो नियम में नहीं है, जो भी कोई पेट्रोल डीजल लेगा वो पेट्रोल पर आके ले सकता है, तुम उसके घर सप्लाई नहीं कर सकते। और उस व्यक्ति ने तो उसके मन में खींच दी कि आखिर घर में लोगों को क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए। वो पेट्रोलियम मंत्री के पास गए, उनका कि मैंने एक ऐप बनाया है और जनता को उसका बड़ा लाभ होगा, एक सीमित मात्रा तय की है कि उसकी गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिल के, स्कूटर के लिए उसका खत्म हो गया, वो कहीं ना कहीं मंगवा सके। होम डिलीवरी बाकी चीजों की होती तो डीजल पेट्रोल की क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कैबिनेट में विषय रखा, मंत्री ने, कैबिनेट ने पास किया कि ठीक है, नियम बदला, और आज की डेट में आप उस ऐप का यूज करके पेट्रोल डीजल या कोई भी साधन जो है आपकी गाड़ी में डलने वाला घर में मंगवा सकते हैं। तो नियम कई बार बदले जाते हैं, नियम आवश्यकताओं के हिसाब से भी बदले जाते हैं, नई नई जरूरतें आती रहती हैं, उन नई जरूरतों के अंदर लगता है कि समस्या आ गई, पहले तो कभी ध्यान में आई नहीं थी, समस्या का हल करना तो कैसे करें। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं, एक हमारे हरियाणा में भी हम पावर डिपार्टमेंट की ओर से एग्रीकल्चर को एक निश्चित समय के लिए कनेक्शन, उसका वो पावर जारी करते हैं। कितने घंटे करते हैं कोई पावर का आदमी बैठा तो एग्रीकल्चर को, कोई है एग्रीकल्चर पावर का आदमी अभी 10 घंटे कर रहे हैं, पहले हम करते थे 8 घंटे करते थे, और वो सामान्य दिन में करते हैं क्योंकि किसान को दिन में चाहिए, दिन में अपना खेत में पानी लगाता, वो रात को उसको देते हैं, उसको भी कठिनाई होती है। लेकिन वहीं उस ट्यूबवेल के पास किसान ने अपनी ढाणी बना रखी है, अब वो ढाणी से उसका कनेक्शन उसने ले लिया। एक तो उसने गलती ये की ढाणी का कनेक्शन उस लाइन से ले लिया, वो एग्रीकल्चर की लाइन है, एग्रीकल्चर का कोई टैरिफ तो है नहीं, बड़ा सा 10 पैसे यूनिट है, लेकिन डोमेस्टिक का वो ज्यादा बनता है। अब वो कहता है मेरी परेशानी है, मुझे तो लाइट चाहिए, मैं यहां बैठा हूं, मुझे और दूसरी लाइन ला के दो। अब दूसरी लाइन 5 किलोमीटर उसको ले जाकर देते हैं तो बहुत बड़ा खर्च बैठता है, तो क्या करें। रात को किसान को नहीं चाहिए, दिन को चाहिए, रात को घर में चाहिए, किसान एक ही है। तो इसके लिए किसी व्यक्ति के ध्यान में आया कि एक नया सिस्टम खड़ा करते हैं। उसने एक ट्रांसफार्मर बनाया जिसका नाम था पैट ट्रांसफार्मर, पीएटी, उसने पेटेंट भी कराया है। पैट ट्रांसफार्मर से 16 घंटे लाइट दी जाती है, जिसमें से वो ट्रांसफार्मर अपने आप 8 घंटे के लिए तो एक लाइन पावर को दे देता है, 3 फेज हो तो 3 फेज दे देता है, और एक लाइन सिंगल फेज की रात के 8 घंटे वो ढाणी को दे देता है। उसने सिस्टम बना दिया। अब सिस्टम बनाया तो उसने एक समस्या का हल निकाल दिया। हमने उसको हरियाणा में प्रयोग किया,
अब धीरे धीरे वो बाकी कंपनियां बना रही हैं और भी, यानी आवश्यकता के हिसाब से ये चीजें खड़ी होती हैं। अब ये जो इस प्रकार के नए नियम बनाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति बना सकता है, तो जब समस्या का समाधान करने के लिए हमको ध्यान में आता है कि ये नियम गलत है, उसका दिमाग में विचार करें, नियम को ठीक कराना है, तो सुझाव आप ही भेज सकते हैं। बल्कि जनता और प्रतिनिधि से ज्यादा समस्या का समाधान आप लोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि समस्या ये है, समाधान ये है, लेकिन हम क्या करेंगे, नियम ये है, हम तो नियम कहां से चलेंगे। अरे नियम को बदलने के लिए कहीं से तो सुझाव आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अपने सिस्टम को, अपने सोचने के तरीके को, इसको बहुत एक अच्छे ढंग से विचार करेंगे तो जनता को हम बहुत समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से दे सकते हैं, मॉरल तरीके से दे सकते हैं। इमॉरल काम करना नहीं हमको, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से दे सकते हैं, अकाउंटेबल तरीके से दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से दे सकते हैं। यानी सिंपल, मॉरल और अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट, अगर ये पांच चीजें आप करते हैं तो ये बनेगा SMART, बट इट स्टैंड्स फॉर SMART, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। ये हर एक व्यक्ति को अपने मन पर लिखना चाहिए, मुझे जो करना है इन पांच चीजों को करके करेंगे, ओनली देन आई विल बी नोन एज अ स्मार्ट एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि उसके बाद सब दायित्व जिम्मेवारी पूरे करेंगे तो जनता में एक संदेश जाएगा कि ये सरकार जो है ये अच्छी सरकार है, सुशासन चल रहा है, इसमें गलती नहीं हो रही है। तो इसको कहते हैं कि ये मेरी सुनवाई भी हुई, कार्रवाई भी हुई। वरना तो लोग शिकायत करते हैं, कार्रवाई नहीं हुई, और कुछ दिन के बाद लोग शिकायत करते हैं, कार्रवाई तो दूर, सुनवाई नहीं हुई। तो कम से कम इन बातों से हम बचें, सुनवाई भी करें, कार्रवाई भी करें, व्यवहार भी अच्छा दें। कोई व्यक्ति आता है हमारे ऑफिस में, आने के बाद वातावरण कैसा है, उसको पानी मिलता है कि नहीं मिलता, उसको पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, बाहर कहीं बरामदे में या कहीं उसके वेटिंग रूम कोई बना हुआ तो वहां पंखा है कि नहीं है, गर्मी में कोई आवश्यकता लगे तो इसी का प्रबंध कर सकते हैं। सरकार के पास मैंने बताया व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। अभी हमने ई दिशा केंद्र और सरल और अंत्योदय केंद्र शुरू किए, मैं स्वयं दो तीन जगह होके आया, करनाल में होके आया, अभी पीछे गुरुग्राम में भी गया, सब जगह जाके देखा, फुटफॉल बहुत है, बहुत भीड़ हो गई है, लोगों के बैठने की जगह नहीं होती है। उसकी व्यवस्था के लिए भी हम सुझाव दे सकते हैं कि अगर फुटफॉल ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, तो क्या एक ही स्थान पर करना जरूरी है, हम दो स्थान पर भी बना सकते हैं, तीन स्थान पर बना सकते हैं। आखिर तुम जनता के सेवक हैं, तो जनता की सेवा करने का भाव ये मन में जागना चाहिए। इससे ही हम जो अपने उस गुड गवर्नेंस के मॉडल पर खरे उतर सकते हैं। इस गुड गवर्नेंस में कुछ जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी हमको समझना है। एक तो बढ़ती हुई आबादी, ये अपने आप में चैलेंज है। ये ठीक है कि उसका जिसने जो करना पॉलिसी बनानी बनाएंगे, आबादी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो चैलेंज है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो उतना ही लोड बढ़ेगा शासन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर। तुमको ऐसी व्यवस्था खड़े करने के लिए अपने पहले से प्रबंध कर लेना चाहिए। हम करते ही है नई नई प्लान, नई नई योजनाएं आगे के लिए बनाते हैं, करते हैं, लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है। तो चूक होने पर ऐसा नहीं हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे कि जब ये कुछ भीड़ हो जाएगी, आबादी बढ़ जाएगी, उसके बाद व्यवस्था खड़ी करेंगे। इसको विजुअलाइज करना चाहिए, आगे आने वाले समय की प्लानिंग बनानी चाहिए कि आज हम 2019 में हैं, 2025 तक क्या होगा, 2030 तक क्या होगा। या मानो लंबी प्लानिंग नहीं, मेरे जिम्मे तो छोटा काम है तो मैं एक ही साल का विचार करूंगा, सीजन के हिसाब से करूंगा। बहुत सेवाएं तो सीजन के हिसाब से देनी पड़ती हैं कि इसका सीजन मार्च में आएगा, इसकी सीजन यानी किसान की मंडी का जो सीजन आ रहा है वो तो अप्रैल से लेकर के और मई तक 2 महीने उसकी फसल आनी है, उसने मंडी में भीड़ हो जानी है। उस समय मेरी व्यवस्थाएं पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम है कि ज्यादा पहले से करनी पड़ेगी। बरसात आ गई उसमें पहले से व्यवस्था को करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी बड़ी जगह पर तो सब चंडीगढ़ लेवल पर तो करते ही हैं,
लेकिन चंडीगढ़ लेवल पर तो केवल योजना बनती है। योजना को सिरे चढ़ाने का काम हमारा जो सबसे ग्राउंड लेवल पर बैठा हुआ जो हमारा कर्मचारी अधिकारी है उसको देखना होगा कि वो संसार वहां से चीज आई तो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। मेरे करने में कोई कठिनाई तो नहीं है। प्रशासनिक हर्डल्स भी आती हैं, मैं नहीं कहता नहीं आती हैं, लेकिन उस प्रशासनिक हर्डल्स में आप अपना फाइल की कार्रवाई करिए, लेकिन फाइल की कार्रवाई के साथ साथ अपने एक लेवल या दो लेवल ऊपर अधिकारी के साथ अपने संबंध बना के रखिए कि मैंने कार्रवाई तो कर दी फाइल की लेकिन इसमें से हल नहीं हो रहा। आप वर्बली उनको फोन पर बात करिए, मिलकर बात करिए कि मेरी समस्या का हल कराइए। ये ठीक नहीं होगा कि हम अपने इमीडिएट जो हमारा ऊपर का अधिकारी है उसको राइटिंग में फिर और ऊपर शिकायतें करने लग जाए, व्यवस्था टूट जाएगी, अनुशासन भंग हो जाएगा। लेकिन हमारे इतने संबंध व्यक्तिगत होने चाहिए अपने दूसरे तीसरे लेवल के अधिकारी के पास भी कि हम लोग उनको बता सकें कि मेरे यहां सिस्टम में चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, चीजें आगे बढ़ाने के लिए आप इसमें हस्तक्षेप करिए। समयबद्ध चीजें आगे बढ़ सकती हैं और हम इस आबादी का जो स्वरूप है इसको बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से योजना बना सकते हैं। एक समाज के अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उन डिस्टर्बेंसेस में जैसे मान लो कभी कभी कोई व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने आवाज उठा दी, भीड़ है, प्रदर्शन है, कभी कभी तो हिंसा तक बात पहुंच जाती है। ऐसे समय पर जो जो संबंधित विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनको हर प्रकार की कंटिजेंसी की प्लान भी अपनी बनानी चाहिए कि मेरे यहां ये समस्या अगर थोड़ा सा रूप बढ़ा गई, विकराल रूप ले गई, मैं इसको कैसे हल करूंगा। अब अनजाने में लोग कर जाते हैं, उनको बहुत दोष देने से और उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने से ही कोई डर बैठेगा ऐसा नहीं है। कभी कभी तो पहले से सोच के रखना पड़ता कि स्थिति उत्पन्न ही ना हो। हाँ, उत्पन्न हो गई और एक सीमा लांग गई तो फिर कठोर कार्रवाई करने भी हमको हिचकना नहीं है, क्योंकि हमको तो सारी जनता को ही विश्वास दिलाना कि शासन जो है मजबूत है, शासन में ढिलाई नहीं है। लेकिन मजबूत का मतलब यह नहीं है कि हर छोटी बड़ी गलती के ऊपर हम किसी को एकदम टांग देंगे। कहते हैं कि ह्यूमन इज एर, क्या कहते हैं, एर इज टू एर इज ह्यूमन, हाँ, यानी मनुष्य गलतियों का पुतला है, कर बैठता है। कभी कभी तो गलती बोनाफाइड हो जाती है, पता नहीं लगता गलती हो गई, अनजान में हो जाती है, अज्ञानता में हो जाती है, लेकिन मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर मैलाफाइड इंटेंशन से कोई करता है तो चाहे फिर वो अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है या जनता का कोई आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई दंडात्मक होनी ही चाहिए।